जब पूरी दुनिया इन फोटोज को देखकर नरेंद्र मोदी के हेडगियर और स्टोल पर फिदा हो रही हो, तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं इस स्टोल की पूरी कहानी और इसकी एथनिक हेरिटेज को दुनिया को बताऊं। नमस्कार, मैं आत्रेय विश्वास रॉय और आज मेरी खूबसूरती बढ़ा रहे इस स्टोल का एक्चुअल नाम लेरेम्फी है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मणिपुर की कल्चरल हेरिटेज लेरेम्फी। आधी दुनिया इसे मोदी स्टोल या फिर मोदी स्कार्फ के नाम से जानती है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में कई इंपॉर्टेंट ओकेजंस पर मोदी जी ने इस स्टोल को पहना। इंडिपेंडेंस डे से रिपब्लिक डे और देश को संबोधित करने टाइम पर भी। पर आपको यकीन नहीं होगा कि जिस स्टोल को देश 2 साल से देख रहा है, उसकी हिस्ट्री 2000 साल पुरानी है। ईयर 154 टू 264 के बीच मणिपुर में खुई तोम्पो के रूल में पहली बार लेरेम्फी मेटी कम्युनिटी के मैरिज में दी गई थी। मेटी मणिपुर की मेन इंडिजिनस कम्युनिटी है और वहीं से हर शादी में पेरेंट्स के द्वारा अपनी बेटी को लेरेम्फी देने की रीत शुरू हुई थी। फिर यहीं से मणिपुर की रिच कल्चर का हिस्सा बन गई। असली लेरेम्फी शॉल जैसी लंबी होती थी, पर अब वो स्टोल जैसे साइज में आती है, जो आज कल्चर के साथ फैशन का भी पार्ट बन गया है। मणिपुर में आज भी किसी मेहमान या फिर डिग्निटरीज के सम्मान में उन्हें ये स्टोल या फिर शॉल पहनाया जाता है, जो बताता है कि उसे मणिपुरी लोग दिल से सम्मान देते हैं। मेटी कम्युनिटी के बिलीफ में ब्रॉडर एरिया व्हाइट होता है, जिसमें ब्लैक, रेड और व्हाइट कलर से एक खास डिजाइन बनता है, जो यूनिवर्स के 3 रक्षक या फिर गार्डियन को सिग्निफाई करती है, खुमन, मंगंग और लुवांग। माना जाता है कि मेटी कम्युनिटी में जिनकी पूजा होती है, वो सारे कुल देवता इन्हीं से आए हैं। ये भी माना जाता है कि मणिपुर में ही सबसे पहले मलबरी सिल्क वॉर्म मिलते थे और यहीं से चाइना गए। फैब्रिक और क्रिएटिविटी में भी मणिपुर के कोई जवाब नहीं है, जिसकी झलक उनके डांस फॉर्म से उनके लेरेम्फी तक सब पर दिखाई देता है। इसीलिए छोटी सी गुजारिश है कि जब भी आप इस स्टोल को देखें, तो इसे मोदी स्कार्फ नहीं बल्कि मणिपुर का स्टोल कहिएगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हो या हम और आप जैसे लोग, जब हम लेरेम्फी को ओढ़ते हैं, तो एक्चुअली हम मणिपुर की विरासत को आगे बढ़ा रहे होते हैं, मणिपुर की कल्चरल आइडेंटिटी को सामने रखते हैं। और मुझे ये ओढ़ना खुद में एक सम्मान लगता है। लेरेम्फी की एथनिक हेरिटेज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के इन कल्चरल आइडेंटिटीज की बात पूरी दुनिया तक फैलाऊं, क्योंकि ये अनमोल है और हमारी धरोहर है। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे दोस्तों, फैमिली और नेताओं तक शेयर कीजिए, ताकि दुनिया मोदी जी नहीं बल्कि मणिपुरी स्टोल की हिस्ट्री को जान सके। नमस्कार। Thank you.